पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा नवाचार करते हुए स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई। नेत्र ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत सोजो क्षेत्र के दृष्टि दोष से पीड़ित चिन्हित किए गए 289 विद्यार्थियों को चश्मे वितरित किए गए। इस पर द्वारा विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सोजत सिटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में वेस्ट टू बेस्ट थीम पर निर्माण की गई सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अवलोक किया। कार्यक्रम में दृष्टि दोष विद्यार्थी बालिकाएं चश्मा पाकर खुश नजर आई। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय अभियान कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें से नेत्र ज्योति एक अभियान है। इसके तहत 289 विद्यार्थियों को चश्मे वितरण किए गए हैं। शीघ्र 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासें बनाई जाएगी, जहां डिजिटल शिक्षा मिलेगी। बुरा विचार और करते नहीं, दो वीडियो और साफ कर चार बार से कोई नहीं। बुढ़ा कल्ला साथ में गोपाल जी, जागरण एसडीएम साहब, फादर राम जी देवता, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग। ये प्रेरणा हमारे प्रिंसिपल साहब ने दी, हमें दी कि भाई कहीं भी कचरा नहीं हो, इसके लिए है ना स्कूल को स्वस्थ विद्यालय के रूप में दिखा जाए। क्लास मनाने की बात कर रहे थे, कितने विद्यालयों का चयन किया गया? इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 400 से 500 विद्यालय पूरे जिले में हम आइडेंटिफाई करें और स्मार्ट क्लासरूम जिसको करें। पहले फेज में हम 250-300 स्कूल्स को एक बार लेंगे और सेकंड फेज में 250-300। क्या क्या चीज़ें रहेगी सर उसके अंदर? एक जैसे स्मार्ट एजुकेशन के लिए आपको एक बड़ा स्मार्ट टीवी चाहिए होता है, स्टडी मटेरियल चाहिए होता है पेन ड्राइव के अंदर, और एक वीडियो कैमरा जो होता है वेब कैम, जिससे कि आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहे या कोई और तरीके से आप कनेक्ट होना चाहें।
सर कुछ स्कूलों की तस्वीरें बदली गई है, उसमें नवाचार किया गया, कहीं कलर किए गए, कुछ मोटिवेट इस तरह की। पाली जिले में कितने स्कूल हैं और क्या क्या नवाचार किया गया है? देखिए, हमने स्वच्छ विद्यालय समस्त स्कूल में चलाया था, जिसके अंतर्गत 15-20 तरह की एक्टिविटीज़ दी गई थी। नेत्र ज्योति उस एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी है। उसमें स्कूलों को साफ सुथरा करना, बच्चों के अंदर हाइजीन, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य पानी पीना, साफ पानी पीने की आदत को विकसित करना, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो वो सब चीज़ों को जब हम एक एक करके कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि साहब आप बिल्कुल ही काया पलट हो गई, तो वो ऐसे बहुत सारी स्कूल्स हैं जहाँ पर इस प्रकार के काम हुए। पानी की बोतल के लिए भी आपको प्रोविड पानी की बोतल पानी हम पिए के हम सीख लें कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पानी हम पीते रहें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झंडा नगर, इसमें बच्चों ने एक प्रोजेक्ट का बहुत ही अच्छा यूज किया है। वेस्ट मटेरियल को इसके अंदर डाल देते हैं, जो पॉलीथीन जहाँ कहीं भी मिलती है वो उठाके हमारे सच्चा पात्र बना हुआ है बड़ा वहाँ डाल देते हैं। उसमें से बोतलों के अंदर ये प्लास्टिक की चीज़ें डाल देते हैं। और गार्डन लगा हुआ है हमारे स्कूल में, स्कूल में ईंटों की जगह इन बोतलों को एक पौधों के पास में सुरक्षा दीवार की बनाई जाती है, जो सुंदर भी लगती है। तो बोतलों के ऊपर कलर भी किया हुआ है, तो कलर के हिसाब से बहुत ही सुंदर लगती है। आज कलर साहब ने इसका प्रदर्शनी का जायजा लिया। हाँ जी, उन्होंने हमें बहुत बहुत थैंक्स किया। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट से भी ज़्यादा कोई वर्ड होगा वो इसके लिए है कि बहुत ही अच्छा यूज है वेस्ट का। किसकी प्रेरणा कैसे आई आपको? ये प्रेरणा हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमें दी कि भाई कहीं भी कचरा नहीं हो, इसके लिए है ना स्कूल को स्वस्थ विद्यालय, स्वस्थ विद्यालय के रूप में। स्कूल के बाहर जहाँ कहीं भी पानी की बोतलें दिखती है खाली और वेस्ट कचरा दिखता है, तो हम उसका यूज़ करके बोतलों पे कलर कर देते हैं और उनके अंदर जो वेस्ट प्लास्टिक होता है वो बोतल के अंदर डाल देते हैं, वो उनके बोतलों के अंदर डाल देते हैं और जो भी